हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। कनाडा ने भारत के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी में किया संशोधन, कहा बहुत अधिक सावधानी बरतें। बता दें कि कनाडाई सरकार ने भारत के लिए यात्रा संबंधित एडवाइजरी में संशोधन करके अपने नागरिकों से बहुत अधिक सावधानी बरतने को कहा है। इससे पहले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता बताकर कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि भारत से उचित जवाब चाहता है। बता दें कि दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और कनाडा में तनाव के बीच दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बता दें कि कनाडा और भारत के बीच तनाव हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षात्मक कदमों के तहत दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 34 साल पुरानी याचिका पर सुनाया फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा बतौर वकील दायर 34 साल पुरानी याचिका पर फैसला सुनाते हुए 83 वर्षीय दोषी को सजा कम कर दी है। दरअसल 1989 में निचली अदालत ने दोषी को 4 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2 महीने की सजा काटने के बाद हाईकोर्ट से दोषी को जमानत मिल गई थी। बता दें कि यह याचिका 1989 में दायर की गई थी। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जवाब चाहते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता बताकर कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि भारत से उचित जवाब चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है, हम चीजों को उकसाने या भड़काने का इरादा नहीं रखते हैं। बता दें कि कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया है, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। जॉबी एविएशन ने भारत में कमर्शियल एयर टैक्सी बनाने का किया ऐलान। बता दें कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट निर्माता जॉबी एविएशन ने एयर टैक्सी के निर्माण को लेकर ओहायो अमेरिका में नई यूनिट लगाने के लिए $500 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। ओहायो के गवर्नर माइक डेविन ने कहा कि इससे लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियाँ मिलेंगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने 2025 में कमर्शियल पैसेंजर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। उत्पादन सुविधा का निर्माण 2024 में शुरू होगा। मोहम्मद शमी को घरेलू हिंसा के मामले में मिली जमानत। भारतीय पेसर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की शिकायत पर उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के मामले में क्रिकेटर को जमानत दे दी गई है। वहीं शमी के भाई मोहम्मद हबीब को भी जमानत मिल गई है। दरअसल 2018 में दायर इस केस में शमी और उनके भाई खुद कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। बता दें कि शमी की पत्नी ने उन पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने ज्वाइन किया व्हाट्सएप चैनल्स, शेयर किया पहला पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाट्सएप चैनल्स ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने व्हाट्सएप चैनल्स पर अपने पहले पोस्ट में नए संसद भवन से तस्वीर शेयर करके लिखा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर उत्साहित हूं, पारस्परिक संवाद के हमारे सफर में यह एक और कदम है, आइए यहां जुड़ें। बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स इस चैनल पर पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट को देख सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में दुनिया भर में व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।